पहले आप सारे पत्ते की आउटलाइन कर लें। मैं लीव ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ, जो नॉर्मल ग्रीन कलर होता है। और आउटलाइन करने के बाद आप इस तरह से कहीं कहीं पे ग्रीन कलर लगा दें। अब ग्रीन कलर लगाने के बाद आपने जो दूसरा शेड इसके साथ मिक्स करना है, आप वो उसके साथ थोड़ा थोड़ा पे कहीं पे लगा दें। मैं ग्रीन के साथ मेहंदी कलर का शेड मिक्स कर रही हूँ। इस तरह से लगाने के बाद आपने पानी लेना है, सिंपल पानी से आपने अपने ब्रश को डिप करना है और इस तरह से मर्ज कर जाना है। ब्रश को पानी में डिप करके ड्रग यूज़ नहीं करना, आपने ब्रश को पानी में डिप करना है, देन उसको आपने टिश्यू पर साफ करना है और उसके बाद जो हल्का सा गीला होगा ब्रश, उसको आपने अच्छे से वो ब्रश लेकर आपने अच्छे से इसको मर्ज करना है। जैसे आप देख रहे हैं जिस तरह से मर्ज कर रही हूँ, बिल्कुल उसी तरह से आपने इसको मर्ज करना है और इसका ध्यान रखना है कि आपके पत्ते में स्ट्रोक्स ना आए। ये हमारा फर्स्ट लीफ तैयार है। आप देख सकते हैं किस तरह से इसके अंदर शेड्स आ रहे हैं। अब सेकंड लीफ को आपने किस तरह से मर्ज करना है, सेकंड टेक्निक है। पहले जिस तरह आपने लीफ को आउटलाइन किया था, बिल्कुल इसी तरह इस लीफ को भी आप आउटलाइन दे लें। आउटलाइन कंप्लीट करने के बाद आपने इसे कॉर्नर्स कलर से फिलअप करना है। कम्प्लीटली फिलअप कॉर्नर से आपने बिल्कुल कम्प्लीटली फिलअप करना। कॉर्नर्स की शेड मैं मेहंदी कलर से कर रही हूँ। जो मिड कलर मैं फिल करूँगी वो मेहंदी का ही शेड होगा। मेहंदी में मैंने वाइट कलर ऐड किया है, उससे मैं इसका मिड पोर्शन फिलअप करूँगी। ये मैं मिड पोर्शन इसका फिल कर रही हूँ। इसको आपने कंप्लीट फिल करना है। जो लास्ट लीव हमने मर्ज किया था उसमें हमने फ्री स्पेसेस खाली जगह छोड़ी थी, इसमें आपने खाली जगह नहीं छोड़नी, इसको आपने कम्प्लीटली फिलअप करना है। कंप्लीट फिलअप करने के बाद आपने इसको जिससे हमने पिछली लीव में पानी से मर्ज किया था, इस तरह इसको भी पानी से मर्ज करना है और डायरेक्ट पानी यूज़ नहीं करना। ब्रश को पानी में डिप करके उसको टिश्यू पे साफ करके देन आपने गीले ब्रश से इसको मर्ज करना। आहिस्ता आहिस्ता मर्ज करते जाएं और ध्यान रखिएगा कि आप मर्ज करते हुए इसमें स्ट्रोक्स ना आएं। हमारी रेंडरिंग सेकेंड लीव की कंप्लीट है। ये अभी गीला है, इसको ड्राई होने दें। जब ये ड्राई हो जाएगा तो ये इस तरह के लुक में आ जाएगा। अब थर्ड लीव की रेंडरिंग,
इसमें आपने स्टार्ट में आउटलाइन नहीं करना, आपको जिस कलर के दो शेड को मर्ज करना है उसमें से जो डार्कर शेड है उसको आप इस तरह से जगह जगह पे निशान लगा लें। ये याद रहे कि जो डार्कर शेड है वो आपका नीचे आना चाहिए और जो लाइटर शेड है वो आपका अपर पोर्शन में आना चाहिए। इसमें मैं ग्रीन और मेहंदी का वाइट टोन यूज़ कर रही हूँ। ग्रीन शेड को मैंने नीचे निशान लगाया है और उसके बाद मेहंदी की वाइट टोन से मैं उसको मर्ज कर रही हूँ। इसमें आपने पानी यूज़ नहीं करना, इसमें आपने डायरेक्ट कलर से कलर को मर्ज करना है। जो अपर लेयर है, जो मेहंदी वाली वाटर टोन है, वो आपका ज़्यादा थिक कलर नहीं होना चाहिए, वो आपका लिक्विडी कलर होना चाहिए। ज़्यादा लिक्विडी भी नहीं होना चाहिए, इतना नॉर्मल लिक्विडी हो ताकि मर्ज करने में आसानी रहे। इस तरह से पूरा लीव मर्ज करना है और आपके पास इस तरह से लीव की लुक आ जाएगी। होप सो आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रही होगी और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फ्लावर्स की किस तरह से रेंटिंग की गई है वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में है, आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।